तो बागेश्वर में सड़क हादसे की तस्वीर आपने देखी, मगर उत्तराखंड में अमूमन यही हाल है। कहीं खस्ता हाल सड़कें हैं, कहीं पर ओवरलोडिंग का कारण बनता है हादसों के पीछे। देखिए, पहाड़ में सफर का अपना अलग ही रोमांच है, मगर यहाँ पग पग पर खतरे छिपे हैं। पहाड़ की घुमावदार सड़कें राहगीरों के लिए तो अक्सर मुसीबत बनती रहती हैं। हिमालयी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देश भर में सड़क हादसों की संख्या दूसरे राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। हर साल कितने ही लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवा देते हैं। तो कईयों के लिए ये हादसे जीवन भर का गम दे जाते हैं। खतरनाक सड़कों पर होने वाले हादसों के अलावा उत्तराखंड की सड़कों पर पैदल चलने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। सड़कें पैदल चलने वालों के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हुई हैं। 2 साल के भीतर उत्तराखंड में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 273 पैदल यात्री अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड में साल 2015 में सड़क पर चलते समय 106 पैदल यात्रियों की जान चली गई, जबकि 2018 में ये संख्या बढ़कर 146 पहुंच गई। उत्तराखंड में सड़क हादसों में तो लोगों ने जान गंवाई ही है, साथ ही साथ यहाँ पर पैदल चलने वाले यात्री भी सुरक्षित नहीं हैं। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड में पैदल चलने वाले यात्रियों की मौत का आंकड़ा चौंकाने वाला है। उत्तराखंड दूसरे नंबर पर है। ऐसे में जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, फुटपाथों की बात करें या फिर यहाँ पर सड़कों के चौड़ीकरण की बात करें, वो नहीं हो पाया। उत्तराखंड में पिछले 19 सालों में सड़कों की लंबाई तो बढ़ी, लेकिन उस गति से सड़कों के चौड़ीकरण का काम नहीं हो पाया। मगर अधिकारी मानते हैं कि हादसों की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक नियमों की अनदेखी है। बार बार हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स में हर साल कितने लोग मर रहे हैं। इसमें जो चाहे वो रोड की कंडीशन हो, कई जगह वो ख़राब है, कई जगह एक वेदर कंडीशन हो जाती है, लेकिन जो मेन है वो या तो जो एक्सीडेंट कर रहा है उसकी लापरवाही, तेज़ गति, या जो व्यक्ति उसमें मृतक हो रहा है या घायल है, वो जो फैक्टर्स हैं दोनों वो मेन वजह हैं। बढ़ते सड़क हादसों पर अधिकारियों की अपनी दलील है, मगर सच बात ये भी है कि सड़कों पर दौड़ रहे बेलगाम डंपर, ओवरलोडेड वाहन अक्सर हादसों की वजह बनते रहे हैं। एक तरफ अधिकारी MV एक्ट का हवाला दे रहे हैं, उधर ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में कमी नहीं आई है। जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें कई फैक्टर्स हैं, उसमें जो वाहन चालक हैं उनकी लापरवाही और जो ट्रैफिक नियम है उसको ना मानना, जबकि जो ट्रैफिक नियम है वो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए हैं और उसको पालन करने में कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। आज की तारीख में जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा एक टाइम दे रहा है और उसमें जब उसको ये बार बार बताया जा रहा है हमारी अवेयरनेस कैंपेन्स के द्वारा, और जो MV एक्ट में जो प्राविधान है कि जब वो ड्राइविंग लाइसेंस लेता है तब उसको जितने भी MV एक्ट के रूल्स हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी उसको वो लाइसेंस मिलेगा। सच बात यह है कि कार्रवाई सिर्फ आम लोगों पर होती है, डंपर चालक और ओवरलोडेड वाहनों पर कभी भी शिकंजा नहीं कसा जाता। कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है या फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। उत्तराखंड में सड़क हादसों में हर वर्ष कई बेकसूर काल के गाल में समा जाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सड़कों को सुधारने का प्रयास किया जाता है, बावजूद इसके यहाँ की सड़कों का खस्ता हाल कई बेकसूरों को मौत के मुंह में ले जाता है। हर वर्ष लगातार बढ़ रहे सड़क हादसे बेहद ही चिंता का विषय है। प्रदेश में ऐसे कई डेंजर पॉइंट बनाए गए हैं जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। अब तक कितने ही लोग इन जगहों पर काल के काल में समा चुके हैं। ऐसी जगहों पर चिन्हित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नई नीति बनाई है। हम लोगों ने जो ब्लैक स्पॉट्स थे उसको आइडेंटिफाई किया। ब्लैक स्पॉट्स ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में 3 साल में होते हैं,
तो उनको आइडेंटिफाई करके और जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो PWD है, चाहे वो NHAI है, उनके सहयोग से हमने वहाँ पे वार्निंग साइंस जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं वो लिए, जो लॉन्ग टर्म है जहाँ पे रोड इंजीनियरिंग होनी है वो भी काम किया जा रहा है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स की संख्या कम हुई है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में सड़कों पर बेलगाम दौड़ने वाले ट्रक और डंपर की चपेट में आने से अब तक कई परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं, तो कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। उधर पहाड़ी इलाकों में खस्ताहाल सड़कें अब तक कितने ही हादसों को जन्म दे चुकी हैं। नशे में गाड़ी चलाना, वाहनों की ओवरलोडिंग और सड़कों का खस्ता हाल, ये मुख्य वजह हैं जो कि उत्तराखंड में सड़क हादसों को न्योता देती हैं। प्रशासन भी ये खुद मानता है कि उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक सफल साबित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन ABP गंगा यही कहेगा कि सुरक्षित चलें और सुरक्षित रहें। अपने कैमरा पर्सन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मैं रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए। Facebook पेज है www.facebook.com/ABP गंगा। Twitter पर भी फॉलो कीजिए, हमारा Twitter हैंडल है twitter.com/ABP गंगा।